राजा कुम्लू कुम्लू की इस रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए हमें पहले ये ओट्स नामक पदार्थ को थोड़ा सा भूजना होगा सूखे पैन में, जिसे जब आप भूजोगे तो एक सौंधी सी खुशबू आ जा चुका है। अब इस पैन में इसमें दो छींटे अपने मारिए सरसों के तेल की, सरसों के तेल की दो छींटे, जाओ 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 गाइस। ओह माय गॉड, ये तो 10 छींटी हो गई। अब कोई बात नहीं, अब जब हो गई है तो इसे यूज कर लो, कोई आपका नहीं है इसे नहीं यूज करने का, इंडक्शन तो चालू करो गाइस। अब इसमें अपने डालेंगे थोड़ा सा जीरा नमक सामग्री, आप तो जानते हैं कैसे दिखेंगे ये सारे वेजिटेबल्स में डालने वाला होगा। इस पहले डालेंगे अपने लहसुन, जाओ 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 जाओ, इसे थोड़ा कैसा लग रहा है गाइस, हल्का सा इसे बस छन छन नन करा लेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें क्या डाल देंगे गाइस, पहले प्याज डाल लेते हैं, प्याज डाल लेते हैं गाइस। जब ये छन छन नन छन छन हो जाएगा तब आप इसमें डाल देना गाजर, बहुत सारी ग्रेवी निकली बाहर, उसमें डाल गाइस ये कौन सा होता है गुड़ के, इसमें मैंने डाला हल्दी, हां सरप्राइज गाइस सरप्राइज है, इसमें बता रहे हैं थोड़ा भाई मसाला, ये हम लोग डालेंगे। ओए तो गाइस थोड़ा सा कुछ ऐसा नहीं डालते,